का नाम क्या रखा है? आलम आप अगर करीब आ जाओ और नहीं जाओ मजबूत محترم دوستو اللہ جل جلالہ و عمل والوں کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم ہے, اس نے ہمیں دین کی نسبت پر چلنے والی اس مبارک محفل کا ایک حصہ بنایا ہے اور عملاً اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ ہی کا فضل ہے, اسی کا احسان ہے, اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہمارے حق میں اور پوری امت کے حق میں اس کو خیر اور ہدایت کا ذریعہ بناوے. ماشاء اللہ صبح سے کارگزاریاں سن رہے تھے اور ملکوں میں جو محنت ہوئی, جو کام ہوا ہے, وہ کارگزاری کی صورت میں سامنے آیا. انشاءاللہ بہت قابل مبارکباد ہیں, اپنے گھروں سے ہزاروں کلو میٹر دور جا کر اپنی جان اپنا مال اور اپنے راحت اور آرام کے اسباب چھوڑ کر وہاں محنت مجاہدہ اور مشقت کی شکلوں میں اپنے آپ کو ڈالنا, یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا, یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوا ہے. یہ خوش ہونے کی چیزیں ہیں. آدمی کو جب اپنے کام کا نفع نظر آتا ہے تو اس پر اس کو خوشی ہوتی ہے, تجارت کا نفع نظر آتا ہے تو اس پر آدمی خوش ہوتا ہے, اور بھی کوئی کام آدمی اپنے ذمے لے کر کرتا ہے اس میں کامیابی ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے. ایسے ہی یہ جو کارگزاریاں ہیں جو صوبائی سطح سے ہمارے سامنے آتی ہیں, ورنہ ہماری جو اندرون میں چلنے والی جماعتیں ہیں چھلے کی چار چار مہینے کی, وہ داخلہ ملک بھی ماشاء اللہ اچھا کام کر لیتی, تو یہ خوش ہونے کی چیز ہے کہ اس پر خوش ہوا جاوے. اور جیسے دنیاوی منافع پر آدمی خوش ہو کر مزید کی طلب میں لگتا ہے, مطمئن نہیں ہوتا, اس پر اطمینان کر کے وہی ختم نہیں کرتا, کم نہیں کرتا ہے, بلکہ بڑھاتا ہے. تجارت کے کھیتی باڑی کے جو منافع سامنے آتے ہیں, کسان ایک فصل لے کر بہت نفع ہو گیا تو اب بلکہ وہ اس فصل سے وہ تدبیر کرتا ہے کہ بغیر بارش کے دوسری فصل کیسے لے, اس کا انتظام کرتا ہے اپنے کنویں پر, اپنے بور پر, اپنی زمین میں, نہ کہ وہ اگلے سال کی دوسری بارش کا انتظار کرے اور آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی عقل مندی بھی اس نسبت پر بھی جو کچھ اللہ پاک کروا رہا ہے ان پر ایک خوشی اور شکر کی کیفیت کے ساتھ مزید آگے جانے کی تدبیریں سوچنا اور اس کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے وہ قربانی اپنی ذات سے پیش کرنا, اس کا ہر بندہ مکلف ہے کہ اتنا کرے, تدبیریں کریں, سوچیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
तुम दीन की मेहनत के लिए ऐसी तदबीरें करो जैसी तुम अपनी दुनिया के लिए करते हो, अभी कसर नहीं छोड़ता तदबीर करने में। जिस फील्ड में आदमी है उस फील्ड में तदबीर करने में कमी नहीं करता, और बाज़े मरतबा अपनी तदबीर के बाद अपनी जान और अपने माल को दाव पे लगा देता है, जो उस लाइन के वाकिफ और माहिर नहीं होते वो तो यही समझते हैं कि आदमी हलाक हो जाएगा। मछली पकड़ने वाला जब अंदर जाता है फिशिंग के लिए, अब जो सयाह टूरिस्ट गए हो वहां, वो उनके हालात सुनकर होते कि भाई कितना जोखिम है इनका, वो अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। और जहाज चलाने वाला जो है वो अपनी जान दांव पे लगा के चलाता है, सामने जो मनाफे हैं वो मनाफे उसको खुश करते हैं, हर महीने की तनख्वाह खुश कर देती है, और वो जो 15 दिन 10 दिन फिशिंग करके बोट लेकर वापस आता है तो वो उसका नफा देखकर खुश हो जाता है, अगले की तरकीब बना देता है। ऐसे जो काम हो रहे हैं मकाम पर, अंदरून बैरून की जमातें जा रही हैं और इलाकों में मेहनत हो रही है, तो ये हमारे लिए काबिले मसर्रत खुशी की चीज है, इस पर हमें खुश होना चाहिए, यही हक है इसका। लेकिन शुक्र की कैफियत के साथ अल्लाह का शुक्र करते हो कि उसने हमारी जान माल जज्बात सलाहियतों को अपने दीन के लिए इस्तेमाल किया है, हम उस पर उसके शुक्र गुजार हैं, शुक्र करते रहें और अगली तदबीर करेंगे उससे आगे की, उससे आगे की सोचेंगे। काम के जो मुख्तलिफ हमारे उमूर हैं, जो मौजू होते हैं, उसको काबू में लाने के लिए सबसे बुनियादी जो चीजें हमारी फिक्रें हैं, और खूस ये पूरे सूबे का क्रीम है, फिक्र करने वाला मजमा, सोचने वाला मजमा, तो हमारी फिक्र और सोच महदूद न हो, महदूद न हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को एक बड़ी सोच दी है, बड़ी फिक्र दी है, और जो ये इस काम का जो निज़ाम है दावत के, इस मुबारक मेहनत की जो तरतीब है, ये मुरव्वजा जो तरतीब है, उसमें पहले दिन से जब काम अपने इब्तदाई मराहिल में था और कोई नुसरत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई असबाब नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, कोई मजमा साथ नहीं था, उस वक्त से इसकी जो बुनियाद डाली गई कि पूरे आलम को लेकर सोचा जा, पूरा आलम हमारे सामने, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बैसत कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए, और इस उम्मत को कहा गया कुंतुम खैर उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास, पूरी उम्मत के लिए निकाले गए, उम्मत मकड़ूसा है, पूरी उम्मत के लिए कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए हमारी बैठक, और हमारी फिक्र वही आलमी हो, हमारी सोच आलमी हो, और जो हम मेहनत कर रहे हैं अपने मैदान में तो वो आलमी नीयत से ही करेंगे, तो उसके असरात पूरे आलम पर जाएंगे। इस वक्त उसको समझना बहुत आसान है, ये जो मोबाइल है उसमें मैसेज भेजे जाते हैं, रसाइल पैगाम जो भेजे जाते हैं, उसमें एक पैगाम एक आदमी ने लिखा है और वो उस पैगाम को दुनिया भर में भेजना चाहता है, पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया के जितने लोगों को भेजना है उनके नंबर अंदर दाखिल करके अगर वो बटन दबा दे सबके लिए ऑल सिलेक्ट होता है, ऑल सिलेक्ट, तो पैगाम कितनों को पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं, सबको पहुंच जाएगा।
दुनिया के मुल्कों में 200 जगह पहुंचाना तो 200 जगह, 400 जगह पहुंचे 400 जगह, 1000 जगह पहुंचा तो 1000 जगह, इसी बटन में पहुंच जाता है। और अगर वो सबको पहुंचाने की नियत नहीं कर रहा है, सबके लिए बटन नहीं दबा रहा, उसमें से कुछ मखसूस कर रहा है, 500 में से 200 को मखसूस किया या 50 को मखसूस किया, तो वो पैगाम 50 को ही पहुंचता है, उसी वक्त में पहुंच जाता है, एक ही बटन से पहुंच जाता है। ये नियत की मिसाल है, ये नियत की मिसाल है। हमारी नियत जो है इतनी ताकतवर चीज है, आलम की नियत से हमारा कष्ट भी इसी नियत से। अपनी मस्जिद में बैठे हैं तो हम अपनी मस्जिद के मशवरे को भी इसी नियत से करें। हमारी इस नियत वाली ताकत का अभी हमको खुद को एहसास नहीं है। इन नमल आमाल बिन नियत वही नमा लिकुल इमरी मानव, अमाल का दारो मदार नियतों पर। इसलिए हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इसका बड़ा एहतमाम रहा कि वो बार बार नियत की तजदीद करवाते, नियत बनवाते थे फिर तजदीद करवाते, क्या नियत की है, फिर भाई भाई क्या नियत से काम कर रहे हैं, क्या नियत है। क्योंकि नियत जो है ना वो एक निरीक्षण की तरह है, उसके पीछे पीछे आदमी जाता है, वो रुख है। और शैतान का हमला जो है वो नियत पर ही होता है, वो कोई तीर तलवार लेकर आके हमारे कमर में या हमारे सर में पैर में वार नहीं करेगा, नियतों पर हमला करता है, नियतों में फसाद पैदा कर देता है। लेकिन बावजूद आदमी की मेहनत कोशिश कुर्बानी के नतीजा जाहिर नहीं होता नियत के फसाद की वजह से। और एक मरज बेनियती का मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे रहे कि जमाने में बदनीयती से ज्यादा दीनी मेहनत करने वालों में बेनियती ज्यादा है, कोई नियत ही नहीं। जज कर रहे, तालीम किए, फेरोजे लगाए, बैरून गए, वापस आए, मुलाकातें की, जमातें बनाई, लेकिन नियत कुछ नहीं। और अल्लाह के वहां से जो है वो अजर और बदला और असर मुरतब होता है नियत के पकड़। इसलिए हमें इस पर खुश होना चाहिए और अल्लाह के शुक्र की कैफियत के साथ, उजब के साथ और पनाह के साथ नहीं, बल्कि शुक्र के साथ मजीद की अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे काम में बरकत दे दे और ज्यादा से ज्यादा कि अल्लाह हमें तौफीक दे दे, और जो हुआ है उससे और मजीद अच्छा करने के अल्लाह पाक हमें और हमारे साथियों को तौफीक दे दे। नियत करते हैं इंशाल्लाह सभी इसकी नियत करें, और हम जाकर अपने अजला में अपने मजमों से भी नियत करवा दो, सभी नियत करा दो, जो भी सही नियतों से अच्छी नियतों से काम कर रहे हों और बुलंद अजाइम के साथ काम, बुलंद अजाइम के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जमात थी वो कमजोरों की थी, वही तो कहते थे वो चौधरी लोग थे, ये निहत्ते लोग हैं, गरीब फकीर लोग हैं, फटीचर लोग इनके साथ पास भी नहीं आते थे उनकी वजह से, इनके साथ है कौन, कौम के जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं वो इनके साथ। लेकिन उनके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जज्बा भरा था वो बहुत कभी जज्बा था और बहुत बुलंद हौसला था, इसलिए वो लोगों के इस किस्म की बातों से अपने किल्लत असबाब से आने वाले हालात से मुतासिर नहीं हुए, अल्लाह की बुनियाद पर अपना काम करते रहे करते रहे करते रहे। तो उन्हीं जो दिखने में निहत्ते थे जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बदर के रात में दुआ में कह रहे थे, अल्लाह इन तो भले खा दे रहा, ये अल्लाह अगर ये छोटी सी जमात जो है वो आज मैं लेकर आया हूं, अगर ये आज हलाक हो गई तो फिर आज कयामत तक तेरा नाम नहीं लेगा, तो ऐसी ऐसी जमात की कमजोरों की जमात थी, लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद और अल्लाह के बातों पर यकीन था उनको। जो बड़ी चीज, सबसे बड़ी जो ताकत है चलाने वाली वो अल्लाह के बातों पर यकीन है, जो फजाइल के रास्ते से हासिल होता है, सबसे बड़ा पावर जो चलाता है आदमी को हमेशा फक्र में, जमानदारी में, सेहत में, बीमारी में,
और हालात साझदार हों तो भी, और हालात ना साझदार हों तो भी, जो चलाने वाली ताकत है, हर शोबे के लिए चलने के कोई असबाब है, और दुनिया में जितने सारे काम हो रहे हैं उनके कुछ वसाइल हैं जिनकी बुनियाद पर वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ पहले दिन से जो इसका वसीला कहें तो वो ये फजाइल वाला इल्म है, इस बुनियाद पर आदमी चलता है, यही बुनियाद है। अभी इनका गुजारे में सुना कि मुल्कों में लोग जो है खाना नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चले और चल रहे हैं। जब तक आदमी उस बुनियाद पर रहता है चलता रहता है, और जब वसाइल और बाजू पर नजर जाती है, वसाइल पर या अपने बाजू पर अपनी जात पर, तो फिर चलने के असबाब खत्म हो जाते हैं। तौफीक जो है तौफीक वो सल्ब हो जाती है, नजर जब अल्लाह के गैर की तरफ जाती है, अपने बाजुओं पर जाती है, तो फिर तौफीक जो है अल्लाह की तरफ, मौलाना ने कहा असबाब मुहैया होते जाते हैं, तौफीक हो जाती है तो फिर रास्ता खुल जाता है, असबाब मुहैया हो जाते हैं, वो काम चल पड़ता है, निकल जाता है। तो वो फिर जब नजर अल्लाह से हटती है तो वो चीजें पैदा हो जाती है। इसलिए अल्लाह पाक हमारी इस वजह से और अल्लाह के गैर की तरफ मुतवज्जो होने से और दीगर जो कुछ ऐसे रज़ाइल हैं जिसके जरिए से महरूमी आती है या तरक्की रुक जाती है, ऐसी चीजों से अल्लाह पाक हमारी और तमाम काम करने वालों की हिफाजत फरमाओ, इसकी दुआ भी करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई करते रहो और डरते रहो, अभी मुतमईन न हो जाओ, डरते रहे और मांगते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, और चौथी चीज फरमाते थे मानते रहे। जब बाजों में जरा सा कुवत पैदा हो जाती है, आदमी की बात में थोड़ा असर पैदा हो जाता तो फिर इसमें कमी आ जाती है, मानने में कमी आ जाती है, और वो भी मोहलिक मरल है, बहुत मोहलिक मरल है। वो नए में ये बात पैदा नहीं होती, नया आदमी हो तो मानेगा ही, तो टाली में बैठा बैठ जाएगा, मुलाकात में जाएगा चला जाएगा, सो जा तो सो जाएगा, उठ जा तो उठ जाएगा, वो तो पेशाब करने भी पूछ के जाएगा नया। लेकिन जब आदमी को थोड़ा मलका हो जाता है, काम पर थोड़ी पकड़ हो जाती है, तो फिर आदमी को मानने की जो चीज है वो थोड़ी भारी हो जाती है, वो थोड़ा भारी हो जाता है। नया आदमी है तो फजीलत बता दे तो वो खड़ा हो जाएगा, जो वही से सुना दे तो वो बैठ जाएगा, वही फजीलत और वही हम बताते हो जाए तो थोड़ा मसला हो जाता। तो हर जो रहमतुल्लाह ने ये बात भी फरमा दी, मानते रहे, अखिल तक आदमी माने, सांस करे, तवहन बकरहन, अच्छा लगे तब भी। साहबा कहते हमने हुजूर के हाथ में हाथ देकर इस बात का अज़्म-ए-ऐमान किया था कि हम आपकी बात सुनेंगे मानेंगे, सुनकर छोड़ नहीं देंगे, समझाना व अताना, सुनेंगे मानेंगे, अच्छी लगी तब भी मानेंगे और अच्छी न लगी तब भी मानेंगे। हमारे हालात साझदार होंगे तब भी मानेंगे, हालात नासाजदार होंगे तब भी मानेंगे। इताअत के साथ चलना तो इसमें हिदायत और तरक्की, उसमें तरक्की होती रह जाती, और जब ये सिफत कम कम होती है तो तरक्की कम हो जाती, और धीरे धीरे फिर तरक्की रुक जाती है, आदमी अटक जाता है। इसलिए हमारी कोशिश ये हो कि करना भी है, डरना भी है, अल्लाह से मदद नुसरत ताउन मांगना भी है, और इताअत के साथ चलना है कि किसी लम्हे के लिए अगर इताअत से बाहर रहो, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, ड्राइवर एक लम्हे के लिए खता कर जाता है, एक लम्हे के लिए तो पूरी बस जो है वो दांव पे लग जाती है, पायलट ने लम्हे के लिए खता कर दी एक लम्हे के लिए, तो ऐसे आदमी लम्हे के लिए इताअत से बाहर हुआ बाज़े मरतबा, वो लम्हे की खता जो है वो आदमी को महरूम कर देती है, तरक्की रुक जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आदमी भंडार रहे। मैं इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना कि वो इस दुआ को बार बार पढ़ते रहते थे, या हय्यू या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत अय्यू। अल्लाह पर जब इसका आखिरी जुमला है,
کہ اللہ پر جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. پر جھپکنے کے برابر ڈرائیور چپ کھا گیا, ایک جھونکا مار لیا بس, ایک جھونکا مار لیا بائی روڈ پہ. ایسے پل جھپکنے کے برابر اگر آدمی دائی آدمی ہے, کام کرنے والا آدمی ہے, تھوڑی دیر کے لیے اگر خطا کر گیا تو وہ بات مرتبہ آدمی کی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہو جاتی ہے. اور غیر محسوس طریقے پر آدمی کو خود کو بھی احساس نہیں ہو پاتا, خود کو بھی احساس نہیں ہو پاتا کہ کیا ہوا ہے. پھر آدمی اور وجوہات دیکھتا ہے لیکن وجہ دوسری ہوتی ہے. بعض مرتبہ ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے, سارا تفتیش کر کے یہ کر کے وہ کر کے, وہ کہتے تم کبھی گر گئے تھے کہیں؟ نہیں کبھی نہیں گرا میں, نہیں کبھی گر گئے ہوں گے, کہ نہیں میں کبھی نہیں گرا. پھر وہ سوچتے تھے ہاں دو سال پہلے ایک مرتبہ سیڑھی پر سے پیر پھسل گیا تھا, تو وہ دو سال پہلے جو گرے تھے وہ سب معمولی کریک ہوا تھا, اس کا پتہ نہیں چلا. لیکن وہ بڑھتے بڑھتے اس نے پوری کمر کی ہڈی کو کریک کر ڈالا. تھوڑا سا کریک تھا وہ, لیکن اوپر سے نیچے تک پوری ہڈی اس نے کریک کر دی. یہ وہاں سے شروعات ہوئی تھی لیکن پتہ نہیں چلا. تو ایسے ہی اطاعت بڑی چیز ہے, اس میں ہدایت. بزرگوں نے جو چیزیں دی ہیں ہم کو, اللہ رسول کی اطاعت ہے سب سے اوپر. دین میں اللہ کی, اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہوئی. دین ہے اللہ کا, دین ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تشریح کی ہے, توضیح کی ہے, سمجھایا ہے بزرگوں نے, علماء نے اس کو بتایا ہے. تو اللہ رسول کی اطاعت ہے جو اصل بنیاد ہے ہماری. اور پھر ہر وقت جو دین کی نسبت سے جو علماء ہیں, ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کی رہبری میں آدمی کا چلنا بہت ضروری ہے. آدمی کسی حال میں بھی جو ہے آزاد رہو. بزرگوں کو دیکھا نا ابھی بھی کہ وہ اتنی بڑی سطح پر پہنچ کر 60 سال 70 سال سے کام کرنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو مشورے کے پابند بنا کے چل رہے ہیں. وہی ترقی کا راز ہے. یہاں چھوٹا بننا جو ہے وہی بڑی چیز. دنیاوی جو شعبے ہیں وہاں تو تھوڑے تجربے کے بعد آدمی کو بولتا ہے 10 سال کا ایکسپیرئنس ہے پیش کرتا ہے, 20 سال کا ایکسپیرئنس ہے, فلاں کمپنی میں ہم کام کر چکے ہیں, فلاں کالج سے ہم پڑھے ہیں. وہاں تو یہ مفید چیز سمجھی جاتی ہے کہ ہم فلاں جگہ پڑھے ہیں, فلاں سے ہم نے یہ علم پر ہنر سیکھا ہے, فلاں ملک میں ہم رہے ہیں. اور یہاں اس محنت کا جو نظام ہے اس میں نفی ہے. بزرگوں سے سنا کہ اپنے کام کی نفی کریں, ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں. یہی حال تھا صحابہ کا. حضرت عمر کہتے تھے حضرت بکر سے کہ میری زندگی بھر کی نیکیاں تم لے لو لیکن وہ دو راتیں دے دو بس, وہ دو دو. یعنی اپنا جتنا سارا ہے اس کی نفی کر رہا ہے. حالانکہ حضرت عمر کی قربانیاں معمولی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لکھا کہ ان کے اسلام لانے کے بعد مکے میں بیت اللہ میں آ کر کھل کر نماز پڑھی گئی. کتنی بڑی قربانی ہے, ان کا اتنا بڑا اثر رہا ان کے اسلام لانے. لیکن وہ اپنی اس قربانی کی نفی کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہہ رہے کاش کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. تو اپنی قربانیوں کی, اپنے کاموں کی نفی ہے. یہ نفی کرتے جا رہے, ہم نے کچھ نہیں کیا اور کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. اور سیکھنے کی نیت سے آدمی چلتا جا رہا, کرتا جا رہا, تو پھر اللہ پاک سکھاتا بھی ہے اور برکت دیتا ہے. یہاں نفی کرنا جو ہے لادری آدھا علم ہے. کسی نے کہا لادری کا معنی میں نہیں جانتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے, ان سے حرم میں کسی نے 14 یا 17 سوال پوچھے. سارے سوالوں کے جواب میں کہتے لادری لادری میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. تو اپنی نفی ہے یہاں, اپنے کاموں کی, اپنی قربانیوں کی آدمی نفی کرے. اور دوسروں کی جو قربانی ہے, دوسروں کا جو کام ہے اس کو سراہے. دوسروں کی قربانی کو سراہے اور اس کا اعتراف ہے. اعتراف کرنا بڑی چیز ہے.
दूसरों की कुर्बानी का एतराफ ये बड़ी चीज है और अपनी कुर्बानी की नफी ये बड़ी चीज है। वो तरक्की का राज है, उसमें आदमी की तरक्की होती है। अल्लाह को ये सिफत पसंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 13 साल मक्का में मेहनत की, फिर मदीना मुनव्वरा गए और वहां की सारी मेहनत, सन हिजरी 8 में मक्का फतह हुआ, इतने मुजाहदे कुर्बानियां इसके पीछे इतना सारा लगा, जब फतह हुआ तो कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, कि सारी तारीफें जो है सिर्फ अल्लाह ही के लिए, असल आपदा कि जिसने अपने बंदे की मदद की है, जज्बात है तो उसने अपना वादा पूरा किया, अजम अल्हजाब वहदा, जिन्हें हमने वहद में ये किया, हमने बदर में और हमारा और असद में हमारी ये कुर्बानी की, अजम अल्हजाब वहदा के सारे लश्करों को अल्लाह ही ने फिकर की, अपनी सारी कुर्बानियों की नफी कर डाली और एक अल्लाह को ऊपर कर दिया कि सारी तारीफ उसके लिए है, उसी की मदद है, उसी की नुसरत है और उसी का सारा काम। तो ये सिफत बढ़ाने वाली अल्लाह को ये पसंद है, अल्लाह के मकबूल बंदों की सिफत है, मुखलिसीन की यह सिफत है, अपनी कुर्बानी आदमी उसकी नफी कर रहे। और आदमी के लिए बुरा दिन है कि खुद अपनी तारीफ करे, वो दुनिया में कोई हुआ ही नहीं पैदा कि उसकी तारीफ कर लें, कि कुछ ना कितना बुरा दिन है आदमी का कि खुद अपनी तरह अपनी तारीफ खुद करनी पड़े आदमी। तो यहां सिफत यह है इस मेहनत में खुशूसन अपनी चीजों की नफी करते हुए आदमी चलता है और दूसरों की कुर्बानियों का एतराफ करते हुए कि नहीं हमारे साथी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी कुर्बानियां हैं, तो फिर अल्लाह पाक ऐसे बंदों से काम ले लेता है और आगे की राहें खोलता है। जब वो काम लेने का किसी से फैसला करता है तो उसके लिए रास्ते खोल देता है। जैसे हुकूमत किसी का सिलेक्शन कर लेती है, उसके लिए कुर्सी का इंतजाम करती है, उसके लिए ऑफिस का इंतजाम करती है, उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करती है, उसके लिए घर का इंतजाम करती है, उसके लिए उसके सफर हजार में उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करती है, मुल्की गैर मुल्की सफर पर है तो उसके लिए पूरा निजाम करती है। जब तक वो हुकूमत के काम में लगा हुआ ये सारी फैसिलिटी उसके लिए, जब तक काम में लगा है, जब काम का नहीं रहा, रिटायर्ड हो गया है, अब वो उस फैसिलिटी में कमी आकर उसका ख्याल रखती है, कि उसका ख्याल रखती है कि इसे हमारे यहां काम किया है। ऐसे अल्लाह जो है, अल्लाह वो सबसे बड़ा कदरदान है, शकूर है, बड़ा कदरदान है, दर्रा नवाज है। यह है कि हम अभी सिलेक्शन की लाइन में है सब, तो उसके वहां अगर मंजूरी हो गई कि काम का बंदा है तो फिर वो राहें खोल देगा और वह असबाब मुहैया करेगा, लेकिन उसके वहां मंजूरी के शर्त है कि बंदा तालिब बनकर हर वक्त उस मंजूरी की फिक्र में लगा रहे कि भाई हमारी फाइल मंजूर हो जावे, दस्तखत हो जावे, और आदमी पेश करता रहे, हर वक्त पेश करता रहे। वहां जो है बंदे की तलब जो है वो काम करती है, अंदर की तलब, चालाकी वहां नहीं चलती। दुनिया में आदमी चालाकी से अपना काम निकाल जाता है, कम पैसों में कर लाता है, मुस्तहिक नहीं फिर भी अपने आप को बता देता है मुस्तहिक, किसी तरह कागज में हेरा फेरी करके कर लाता है। अल्लाह के वहां चालाकी नहीं चलती, वहां चालाकी नहीं चलती, वहां तो साफ दिल, कुछ भी नहीं है तो पेश कर, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, कोई सलाहियत बस तो कबूल कर, तेरी करम फरमाई कर दे, करम फरमाई कर दे, चालाकी वहां नहीं चलती। वो कलीम आजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बिछा दिए हैं पर जिनके रस्तों में फरिश्तों ने कुछ ऐसे भी काफले अपने घरों से निकले हैं, ये वादी अहले वफा हैं, चलना संभल संभल के, होशियार गिर रहे हैं, दीवाने चल रहे हैं। आदमी दीवाना बन के अल्लाह का, अल्लाह के दीन का दीवाना और अपने आप को पेश कर दे तो फिर अल्लाह पाक रहा मराहिल आते हैं, उसमें आदमी मशवरे पर आ जाओ। अभी एक मसला आया था मशवरे में, पैरों जाने के सिलसिले में उन्होंने मशवरे में रखा तो उसका हल निकल आया, निकल गया आसानी से, मसले का हल निकल गया, पहल पेश आए, रुकावट आती तो उसका रास्ता मशवरा, और मशवरे में आदमी मानने की नियत से रखे,
बताने के लिए नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो मशवरे से तो ठीक है, मशवरे ने बहुत अच्छे हैं, और मैं जो कहूँ ऐसा ना करे तो इनको तो कुछ समझ है ही नहीं, बस ये तो सबको भेजने की बात करते हैं, कुछ सोचते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, खैर अल्लाह की तरफ से वही उतरती उसका जरिया, हर चीज के इस्तेहकाक के लिए कोई जगह होती है, वह जाके उतरती है वो, तो खैर अल्लाह ने मशवरे में डाली तो मशवरे में उसको लाया जावे ताकि खैर भी चला करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो उमूर हैं ये एक तरतीब के खातिर उमूर को तकसीम करके उसको लिया जाता है और काम को तकसीम किया जाता है कि वो आसान हो जाए, वरना हमारी सारी फिक्रें मुश्तमल हो। किसी काम का कोई स्पेशलिस्ट अलग नहीं होता दावत के इस काम कि बैरून से मुतालिक है, ये स्टूडेंट से मुतालिक है, मस्तूरात से मुतालिक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये काम दिया और हर फर्द उम्मत को उम्मत का फिक्रमंद बनाया, लेकिन तकसीम कार और उसको तरतीब दी जाती है कि आसानी के साथ सारे लोगों तक पहुंचा जावे और फिक्रें हो। हमारे सारे साथी जो हैं वो इन सारे उमूर में फिक्र कर, बल्द मरतबा किसी एक अमर का गलता वो अपनी जगह पर, किसी साथी पर किसी एक अमर का गलता वो तो अपनी जगह, पसंद में भी अलग अलग होती है, किसी को चावल ज्यादा पसंद है, किसी को रोटी, लेकिन खाता चावल भी रोटी भी है, पसंद की भी होती हो। ऐसे काम के अतबार से किसी फिक्र का गलबा किसी पर है वो अपनी जगह है, वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ वही काम आदमी कर रहा है बाकी को तर्क कर दिया इस अंदाज से ले रहा है कि बाकी छूट जा, तो ये मुनासिब है नामुनासिब चीज। सारे हमारे साथी सारी फिक्रों को लेकर उठ रहे हैं और सारे कामों में अपना हिस्सा कर रहे हैं और उसकी शक्ल मशवरा है। इस वक्त जाकर बैरून से मुतालिक बात की तो मशवरा कर लें, मैं फला 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 साहब ये लोग जिम्मेदारी पूरी कर लें, मस्तूरात से मुतालिक बात है कोई फला फला साहब ये लोग इसको कर लें, स्टूडेंट से मुतालिक कोई फला फला साहब कर लें, अगले मरतबा में मशवरा हुआ तो फिर जो साहब स्टूडेंट में थे वो बैरून में हो गए, कोई बिहार था तो यहाँ हो गए, कोई वहां था तो वहां हो गए। यहाँ जैसे सरकारी दफ्तर में स्पेशल कुर्सी लगती है कि फरक, तो उनके पास वही लेकर जाए दूसरा काम लेकर नहीं जाएंगे, और वो वही काम करेंगे उसके अलावा करेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए अपने यहाँ हर काम में जमात की शक्ल है, कोई फर्द नहीं है किसी काम में, जमात की शक्ल है कि जमात की शक्ल बनाकर कामों को तकाजों को लिया जावे, दिया जावे, पूरा किया जावे, सोचा जावे। तो उसमें जो हमारे उमूर में जो आम मतलब लेते हैं कोई बैरून की जमातें बनानी है उसके लिए क्या तकाजे हैं, किस तरह तरतीब देना है, मस्तूरत का काम है, कारगुजारी आती है, स्टूडेंट्स आता है और रेलवे वालों में असरी तलबा में और ये वो सारा, तो उसको इस एक तरतीब कायम करने के लिए उसके उमूर बनाकर उसको लिया जाता है, वरना ये सारे काम हम सबको करने हैं और मजमे को भी हमें उसी रुख से देना है, अपने अजला में जाकर मस्जिदों में जाकर उनको इसी रुख से देना है। इन कामों को काबू में करने के लिए तो हम मुख्तलिफ शक्लें सोचेंगे, बहुत माना यूसुफ साहब के ऐसी तदबीरें करो जैसे तुम अपनी दुनिया के लिए कर, तो तदबीरें करेंगे, लेकिन हमारे सारे साथियों की सोच, सारे साथियों की फिक्र और सारे साथियों की जान माल लगाने की जो जगह है वो मजमूई तौर पर इन सारी चीजों पर, इसलिए सबको हमें लाना है मस्जिद में, सबको जोड़ना है अल्लाह के घर से। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा गए तो आपने पहले अपना घर नहीं बनाया, अल्लाह का घर बनाया और उम्मत के तमाम तबकात से उसे जोड़ा, सबको जोड़ा, और तालीम ताल्लुक के लिए, दावत के लिए, जिक्र इबादत के लिए और खिदमत के जो अमल है उसके लिए जो सेंटर बनाया गया वो मस्जिद था, सेंटर उससे बनाया गया। और तामीर मस्जिद से मुराद भी वही, कोई मखसूस शक्ल के साथ उसकी तामीर नहीं, उसमें इबादत भी हो रही हो, जिक्र भी हो रहा हो, तालीम ताल्लुक भी हो रहा हो, दीन की बातें, दावत की बातें भी हो रही हो और खिदमत के मंसूबे भी बनाए जा रहे हों, उसके लिए मस्जिद है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो शक्ल इख्तियार की वो आसान सी शक्ल है, पूरी उम्मत के लिए इन सारे उमूर को करना आसान है, उसका कोई मेंबर नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कोई वो नहीं है, एक जमात है,
हाँ, ये एक सोच है, ये भी सबको लेकर चलना, सबको साथ लेना और काम का एक रूप कायम करना। तो इसमें जो हम मुख्तलिफ तदवीरों से काम करते हैं, आगे जो वैकेशन भी आ रहे हैं अभी, और हमारे तमाम अजला में माशाल्लाह स्टूडेंट्स के काम का एक निज़ाम बना हुआ है, साल भर मुख्तलिफ लाइनों से उन पर मेहनत करके उनको मस्जिद की जमातों से जोड़ रहे हैं, और अक्सर जिलों में माशाल्लाह इसकी मुस्बत अच्छी कारगुजारी है कि मस्जिद और जमात में कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10, कहीं 2-4 स्टूडेंट्स जुड़ना शुरू हुए, तालीम में बैठ रहे हैं और करीब आ रहे हैं। हफ्तावारी मशवरों में, हफ्तावारी शगुजारियों में जुड़ना शुरू हुए। तो ये बड़ी खैर की चीज़ है कि हमारे नौजवान मुतवज्जे हो रहे हैं किसी भी फील्ड की तरफ। जवानों का रुझू जो है उस फील्ड और उस शौबे को आबाद कर देता है, कोई भी फील्ड हो, दावत की तरफ उनका रुझू है। तो ये एक खैर की चीज़ है कि वो इस शौबे को यानी काम के इस रुख को आगे लेकर जाएंगे, इसको मजीद मेहनत के रास्ते से मजबूत करने की जरूरत है, मजीद मेहनत को बढ़ाया जाए। तदबीरें सोच किसी जगह कनाट ना करें, ये जो फहरिस्त बनवाई जाती है फहरिस्त, वो इसीलिए कि कनाट हमारे अंदर पैदा ना हो। बचाव जो है बार बार हम बचाव करते हैं, हल्के में मस्जिद की कारगुजार तो हम मस्जिद का बचाव करते हैं, यानी असल में हमारी मस्जिद में ये है वो है, फसा की हमारे कम है, हमला कम है, वो बचाव। जिले में जब हल्के की आती है तो हम हल्के का बचाव करते हैं जिले, और सूबे में जिले की आती है तो हम सूबे का बचाव करना है। तो बचाव करने से काम बढ़ेगा नहीं घटेगा? घटेगा। खुले दिल से हमें एतराज करना होगा, हाँ हमारी इस्तेदाद तो इतनी है, हमारी इस्तेदाद इतनी, इतना होना चाहिए हमारी इस्तेदाद। ये फहरिस्त से इस्तेदाद सामने आती है कि भाई हमारी मस्जिद के बाद मर्दों की तादाद ये है, तो स्टूडेंट्स की तादाद ये है, हमारे पास 4 महीने वाले इतने हैं, जमात लेकर जाने वाले हमारे पास 10 आदमी हैं। ये नहीं कि वो तो पहले गए थे जमाने में कि बना, अरे नहीं, वो लेकर चले हैं जमात, वो बराबर नहीं चला भाई, एक मतलब चले हैं वो ठीक हो, मसला दूसरा है। तेरा अपनी सलाहियतों का, अपनी सलाहियतों का कि हमारे पास इतना है हम ये कर सकते हैं, और हमारे बस में है कि अपने बस के जान मारना हमारे बस में, हम अपने आप को थका के रख दें फिर अल्लाह पाक उसमें जान डाल देगा और उसको वजूद दे देगा। तो इसलिए ये जो मेहनत हमारे सामने है, टोटल तादाद स्टूडेंट्स की सबकी निकाली हुई है, उसमें से चिल्ला जो लगा सकते हैं उनकी तादाद ये, अगर 1000 आदमी ऐसे हैं तो हमारे आजाइन में भाई ये 1000 आदमियों की हमें जमातें बनानी, उनके साथ जिम्मेदार लगाने हैं, अभी से उसकी तदबीरें करना, सोचना, अपने मजमे को काम पर डालना। अगर हम इसको सोचेंगे ही नहीं तो हम मजमे को काम पर कैसे डालेंगे? और ये अमानतदारी के खिलाफ, हाँ दीन और दीन की मेहनत भी हमारे पास अमानत, अमानत का तकाजा ये है तो उसके सही रुख को मजमे के सामने पेश करके मजमे को काम पर डाला जाए और अपने बस के हाथ पर हम। इसलिए अभी सामने वैकेशन आ रहे हैं, उसमें गुज़िश्ता जो गया था उससे बढ़ाकर 2 जमातें 4 जमातें, ये तरीका नहीं है, बल्कि हमारे पास इस्तेदाद है। जो नहीं जा पाए थे गुज़िश्ता, क्या वजूहात थी उस पर गौर किया जाए, वो इन तक पहुँचा ही नहीं गया है, उनसे बात ही नहीं हो पाई, या ऐन वक्त पर पहुंचे वो तैयारी नहीं कर पाए, वालिदैन के मसाइल थे तो उसको गौर किया जाए, या और कोई मसाइल है उनके तो उसको सोचा जाए, एक दूसरों से पूछा जाए भाई आपके यहाँ जमातें बन जाती हैं तो कैसे बन जाती, आप क्या तदवीर करते हैं, किस तरह निज़ाम बनाते हैं, तो फिर उससे काम बढ़ेगा और उसका सही रूप काबू में आ जाएगा। तो इसलिए गुजारिश है कि इस वक्त जो हमारे अजाइम की जब हल्के लगे उस वक्त इसके मजबूत अजाइम करेंगे इंशाल्लाह। हर जिले वालों से गुजारिश, आप अपनी वो फिगर निकालें जो इस वक्त चिल्ला लगा सकते हैं, और जो फाइनल ईयर में है वो 4 महीने उनके वसूल करने, एक तक हम गए उनसे बात कर, भाई मैं नहीं जाऊंगा या फिर मेरी जॉब पर जाना है,
तो ये काम पूरा नहीं हो गया हमारा, काम पूरा नहीं हो गया, बल्कि उन पर हमारी मेहनत जारी रहे, उन पर मेहनत हमारी जारी रहे। दूसरा, उनको चार महीने हमें लगवाने हैं उनकी तालीम की तकमील के बाद, तो उन पर हमारी मेहनत आगे से चल रही है, आगे से चल रही है। अभी साल बाकी है, छह महीने बाकी है, दो साल बाकी है, उनको मानूस करना, उनको करीब करना, उनको वक्त देना। एक चीज की कमी ये रहती है हमारी कि जो हमारे इज्तिमाई जुड़ने के मौके होते हैं, मशवरा होता है, या हमारे हफ्तावारी शबगुजारियां होती हैं, या इस किस्म के स्टूडेंट्स के या दीगर जोड़ होते हैं, उसमें हमारा अपने मजमे से इख्तिलात इस वक्त बहुत कम है। शायद आप हजरात भी इसको महसूस करते हो। पुराने लोगों में यह था कि कोई इज्तिमा है, कोई जोड़ है, कोई मशवरा है, तो वो अपने मशवरों के मौके पर तो ठीक है साथ में होते थे, बाकी मशवरों के अलावा जो है कोई पुराना साथी उधर बैठा है उनके साथ 10-15 नए लोग बैठे, कोई उधर बैठा है उनके साथ 10-15 नए आदमी बैठे, कोई वहां बैठे उनके साथ 10-15 आदमी नए बैठे, उनको लेकर उनका जहन बना रहे, उनको समझा रहे हैं, उनको काम दिला रहे हैं, काम उनके सामने पेश कर रहे हैं। वो अपनी हाजतें भूल जाते थे, बल्कि इज्तिमा जोड़ों के मौके पर रोजे रख लेते थे। ऐसे पुराने साथी जो है वो इज्तिमा के मौकों पर जोड़ के रोजा रख लेते थे, उसकी कामयाबी की नियत करते थे और जरूरियात से फारिग हो जाते थे रोजा रखकर, कि न चाय का तकाजा है, ना नाश्ते का, और चाय नाश्ता नहीं तो इस दिन जाते नहीं। रमजान में आदमी सुबह फारिग हो तो शाम तक छुट्टी रहती है, तो सारे वक्त महफूज करते थे वो। और इख्तिलात हमारी राबी हमारी शबगुजारियों में जोड़ों के मौके पर, मशहूरों के मौके पर जो नए लोग आते हैं उनके साथ मिलना जुलना, बैठना, उनके इख्तिलात करना और उनको जहनसाजी करके उनको तैयार करना। उसमें ये तबका भी है, स्टूडेंट्स आए हैं, टीचर आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं और तबका के लोग आए हैं, तो इस रूप से उस मजमे को लेने की जरूरत है, अपना इख्तिलात बढ़ाने की जरूरत है। तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसके बेहतर और अच्छे नतीजे मुरतब हों, तो करेंगे इंशाल्लाह इसके पिकअप। कौन से जिले वाले क्या रहे, सूरत क्या रहा है, और नंदासन के जितने जा सके ऐसे हैं उनकी फहरिस्त निकाल कर सबको वसूल करना 40 दिन के लिए। और अहमदाबाद क्या कह रहा है, पूरे निकालेंगे, तादाद आ गई पूरे अभी तक अहमदाबाद की, टोटल तादाद आई स्टूडेंट्स क्या है, नई फहरिस्त है कुछ 10,000 के करीब पहुंच गए, अल्लाह कह रहे अखीर तक पहुंच गया। सरोज करेंगे इसकी तरफ, छोटे देहातों में जहां मस्जिद मुसल्ला नहीं स्टूडेंट है, उनको वहां से वसूल करने की शक्लें बनानी। बाजा गैरमानुस मोहल्ले वहां स्टूडेंट्स है, उनमें अभी इतनी तमीज नहीं है, मानुस गैरमानुस उनको वसूल करने की तदबीरें करें। गैरमानुस में कहां स्टूडेंट्स है, छोटे देहातों में कहां है, शहरों में कहां है, उनको सब जगह से वसूल करना है। भाई करेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ हमारे काम में जो मस्तूरात की नस्बत से फिक्र करते हैं, हम लोग बारहा कहते हैं कि दुनिया में मर्दों से ज्यादा औरतें। मुझे अभी डॉक्टर सलीम साहब ने वहां कहा कि इस वक्त दुनिया में जो टोटल सर्वे है 1.5% मर्द ज्यादा है, टोटल सर्वे में आलमी सर्वे जो है। हाँ, इलाकाई एतबार से किसी जिले में औरतें ज्यादा है, कोई तालुके में ज्यादा है, या किसी मुल्क में भी ज्यादा कम है, ऐसा है, लेकिन जो पूरा सर्वे है पूरी दुनिया का, तो उसमें मर्द औरतों में मर्द ज्यादा है। हाँ, फिर बच्चे हैं, बच्चे ज्यादा है, इन दोनों से ज्यादा बच्चे, तो खैर वो तो अपनी जगह है, मारूफ है ऐसा, लेकिन उनके ऊपर मेहनत का जो निजाम है हमारा, उसमें एक तो काम की जो शक्ल है उसमें 4.5 काम मर्दों के, हमारे मकामी काम 4.5 काम जो है मर्दों ही मर्दों में, एक आधा काम रखा है मस्तूरात का, घर की तालीम, और वो बहुत अहम है, मामूली चीज नहीं है। ये
یہ اللہ کا حکم ہے، گھر کی تعلیم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. وہ انفسکم و اہلیکم نارا، یہ خطاب عام ہے سب کو، کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اے علی محمد الدین، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ. دوسرا، اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو خاص خطاب دیا ہے اور عام امت کی عورتوں کو عام خطاب دیا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتوں کا مذاکرہ کرتی رہے. تو یہ عام چیز ہے کہ ہر مرد کے ذمے ہیں کہ اپنے ماتحتوں میں اور جتنی عورتیں جتنے بچے ہیں ان کو دیندار بنانے کی کوشش کریں. یہ بڑا فریضہ ہے. جیسے نفقہ آدمی کے ذمے واجب ہے، نفقہ، اسی طرح یہ بھی واجب ہے. کو کھلانا پلانا، ان کی بہتر تعلیم اور تربیت کرنا، یہ گھر کے مردوں کے ذمے. تو اصل مزدورات کی جو فکر اور محنت ہے وہ ہر مسلمان کے ذمے ہے، لیکن چونکہ وہ ذمہ داری بھلائی ہوئی ہے عموماً، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی. جیسے عمومی ہر آدمی کو صالح اور نیک بننے کی ذمہ داری ہر آدمی کی اپنی ہے، لیکن اس کے ساتھ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اللہ پاک نے امت کو ذمہ دار بنایا ہے کہ ایک دوسروں کی فکر کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، ایک دوسروں کو خیر کی طرف لاوے، بھلائیوں کی دعوت دیں. تو جیسے مردوں میں چل پھر کر ہمارا ایک نظام ہے پورا محنت کا، محلوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ان کو بات کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اتنی ساری محنت کے بعد جمعہ میں بیانات، کشم میں بیانات، اجتماعات کے بیانات، اس کے بعد مردوں کی جو جہالت اور غفلت ہے وہ ہمارے سامنے. تو جہاں ان عورتوں تک مہینوں تک دین کی بات نہیں پہنچ رہی ہے اور ان کو کوئی ماحول نہیں مل رہا اجتماعی نماز کا یا اجتماعی سیکھنے سکھانے کا، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی مسجد کی جماعتوں کو اس پر لگایا جائے. ہمارا مقامی کام روٹین نہ ہو اور کارگزاری میں کہا بھائی دو گشت ہو گئے اور تین دن کی جماعت چلی گئی، چار مہینے کی جماعت چل رہی ہے، ایک جماعت واپس آ رہی ہے، بیرون جا رہی ہے، یہ کارگزاری نہیں ہے. کارگزاری تو یہ بند لگی ہو ہماری کہ مسجد کی جماعتوں کی محنت سے ہمارے محلوں کے گھروں میں جو ہے نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، اعمال، اخلاق، وہ زندہ ہو کر یہ محلے ہمارے نمونے بن رہے ہیں کہ 100% لوگ نمازی ہیں، 100% گھروں میں ذکر عبادت کی فضا ہے، بچیوں میں دین آ رہا ہے، دین کے علم کا شوق بڑھ رہا ہے، آخرت کی فکر بیدار ہو رہی ہے. اس کے لیے مذاکروں کی ضرورت ہے، مذاکرہ نہیں باتیں، آپس میں باتیں. ہمارا جو موضوع ہے باتوں کا، ایک تو ایک عام لوگ ہیں جن کے پاس دین کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو موضوع ہے ملاقاتوں میں، گشتوں میں، تو ہماری باتوں میں بھی غالب تشکیل کی بات ہے عموماً. اور یہ صرف ابھی نہیں ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں تشکیل اور عروج چھٹا نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے. تو گھر گھر کی جو ہماری ملاقاتیں ہیں اس میں یہ 5 نمبر کی باتیں ہونی چاہیے، ایمان کی، اعمال کی، نماز کی، علم کی، ذکر کی. ذکر میں کلام پاک کی تلاوت ہے، صبح شام کی تسبیحات ہیں، مسنون اذکار ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہے، اخلاق کی بات ہے. اخلاق کی بات کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق، ایک دوسروں کے ساتھ محبت، انصاف، احسان، نصاب. جو ملاقاتوں میں ہماری جماعت، وہ ہر گھر جا کر جو ہمیں ملنا ہے سامنے والے آدمی سے، تو ہمارا صرف مقصد اتنا نہیں ہے کہ جا کر ہم ان کو 4 مہینے کی بات کر کے 4 مہینے تیار کریں، وہ بھی چیز ہے، لیکن وہ سب سے اخیر میں. ہمارے مذاکروں میں جو ہیں یہ ساری چیزیں آ کر گھر گھر کی محنت میں بول کر پھر ہر مسلمان کو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند کرنا، خالی سنا دینا نہیں، خالی سنا دینا نہیں، بلکہ فکر مند کرنا ہوں، ان کے اندر ایک فکر بھرنا،
और फिक्र बढ़ेगा, फिक्र वाला आदमी बढ़ेगा, बेफिक्र थोड़ा फिक्र बढ़ेगा। एक आदमी गफलत के साथ जा रहा है, न तवज्जो अल्लाह की तरफ हुई, न कोई दुआ मांगी, न उस आदमी से हमें क्या मुतालबा करना है, क्या बात करना है, उसका कोई इस्तेज़ा। चलते चलते एक आदमी उधर से आ गया, दूसरा ऐसा भाई चलो मुलाकात में जाना है। वो क्या है भाई, उसकी 4 महीने की तश्कील है, उसको 3 दिन की तश्कील है, उसको उसके चिल्ले में भेजने का है। एक फिक्र लिए हुए हैं, फिक्र जिसके पास जो होगा वो देगा, जो आदमी के पास हो जाएगा एक वो फिक्र है कि भाई पूरा दीन मशवरे में, भाई मशवरे में क्या नियत करें कि पूरा दीन हमारी जिंदगी में आवे और पूरी उम्मत में अल्लाह का पूरा दीन जिंदा। अब पूरे दीन में ये ईमान, नमाज, इल्म, जिक्र, इकरार भी उसकी इब्तिदा और शुरुआत की चीजें हैं, इसलिए मुजाकरों में ये बातें आनी चाहिए। मुलाकात बेहतर इत्मीनान से और उसी में घर की तालीम और तरबियत के बारे में फिक्रमंद करना हर मुसलमान, हर मुसलमान, ताकि घरों में दीन आवे। दीन आएगा तो दिखेगा, पैसा आया लोगों के पास तो दिख रहा है, लोगों के पास पैसा आया तो पैसा दिख रहा है, वो पैसों की नोटें नहीं दिख रही किसी की, लेकिन घर बदल रहा है, रंग बदल रहा है, गाड़ी बदल रही है, ऊपर जा रहा है आदमी, नीचे उतर रहा है, तो दिख रहा है कोई पैसा आया है। ऐसे दीन आता है तो दिखता है कि सादगी आ रही है, जफाकशी आ रही है, नमाजों की पाबंदी हो रही है, सुबह शाम की तिलावत और अज़कार में आदमी है, घर में पर्दा आ रहा है, बच्चियों में दीन आ रहा है, लड़कों में इल्म आ रहा है, खिदमत के जज्बात पैदा हो रहे हैं। जमात में निकलकर जो जिंदगी गुजारी जा रही है वो जिंदगी एक अमली मशक है, ईमान में, इबादत में, अखलाक में, मुआशरत में, सादगी में, जोहद में, जोहद में, वो जिंदगी अमली मशक है। दीन का काम करते करते हमारी वो जो मशक हमने वहां की है, कोई जमात में निकल के 4 जोड़ी कपड़ों में आदमी है और एक मामूली से बिस्तर में 4 महीने गुजर जाते हैं और एक थैला होता है बर्तन का, उसमें 12 या 15 आदमियों की जमात होती है, तो 4 महीने में काफी हो जाता है दोनों ने बस। अरे उसी में हो जाते हैं 4 महीने, न चम्मच कम पड़ते हैं, न गिलास कम पड़ते हैं, न प्लेटें कम पड़ती है, न प्याले कम पड़ते हैं, वो उसी में हो जाता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा अंदर 12 प्याले हैं तो उसमें कोई 11-12 प्याले खरीद कर ला के देवे कभी सभी पसंद करेंगे हम, बोलो ना भाई। अरे भाई हमारे 12 ही बराबर है, इतने बराबर दे गया फिर भी जबरदस्त तो दूसरी जमात को दे देते हैं, भाई तुम इस्तेमाल कर लेना। अगर एक कुकर है उसमें हमारे पास और दूसरा कुकर कोई हदिया में दे रहे कोई जमात के लिए, तो क्या करेंगे उसे पता है कोई, तो इसको कौन उठाएगा, किसी और को दे देते। तो हमारे घर की जरूरियात के जो काफी है वो कपड़े काफी है हमारे, ये वो असर वहां का यहाँ मुंतकिल हो। चलो भाई घर वालों का जहन नहीं बना, उनमें नहीं हो, हमारे अंदर तो हो, वो असर मुंतकिल, वो असर फिर मुंतकिल होगा आगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुआशरत के रास्ते से असर मुंतकिल किया अज़वाज मुतहरात पर। 1 साल का नफ्ता दे देते थे हुजूर अज़वाज को 1 साल का, और फिर भी एक आयशा फरमा रही रज़ी अल्लाह अन्हा कि एक चांद, दूसरा चांद, तीसरा चांद ऊपर दिन गुजर जाते थे मायूफी दुखी अभिया की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि 1 साल का नफ्ता दे देते थे आप, फिर क्या करती थी, कपड़े ले आती थी, मकान बना दिया था उन्होंने, जेवर खरीदे थे जिसका कर्जा हो गया, उनका मिजाज बनाया था राह खुदा में लगाने का। अम्मी जान ने 80,000 दिरहम एक दिन में खर्च कर रहा है, 80,000 अपना रोजा या पूरा, जवान बेवा है, हमारे यहाँ की बूढ़ी बेवा का जज्बा क्या होता है, 80 साल की बेवा औरत है उसका भी जज्बा होता है कुछ जमा करके रखे, और भी जवान है 80,000 दिरहम मुआशरत मुंतकिल हुई आपकी, अज़वाज मुतहरात आपकी इबादत मुंतकिल हुई। अम्मी जान के घर पहुंचे सुबह निकले थे तब देखा चाश के वक्त तक मसल्ले पर इबादत में लगी हुई है। हमारे घर के हमारे आमाल जो हम घर में करेंगे, तालीम, जिक्र, तिलावत, नवाफिल का इंतजाम,
سنتوں کی پابندی ہماری سادگی کھانے میں لباس میں سواری میں اس کا اثر گھر والوں پر پڑے گا پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں بظاہر کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہے ازواج مطہرات کے واقعات ہیں بنات طیبات کے واقعات ہیں اور ان کو اس انداز میں پڑھیں کہ اس کے سامنے بطور آئیڈیل پیش کریں ان کو خالی وظیفے کے طور پر دو صفحے نہیں پڑھنے وظیفے پڑھ جاتے پڑھنے والے کو بھی پتا نہیں کیا پڑھا ہے سننے والوں کو بولے کہ پابند پورا ہو گیا بلکہ افہام و تفہیم کے طور پر سمجھنے سمجھانے کے انداز میں ان کے سامنے جب پڑھا جائے گا تو دل و دماغ سے بات اترے گی اور پھر دھیرے دھیرے رنگ بدلنا شروع ہوگا ان کو سادگی آئے گی ان کے اندر پھر ہم سادگی کی طرف ان کو لے کر جائیں گے اس پر بقا ہے دین کا ورنہ عبادات کے راستے سے آدمی کی نیکیاں جو ہیں معاملات و معاشرت کے راستے سے نکل جاتی ہیں اس لیے ان کا ذوق و شوق یہ بنانا مطلوب ہے اس تعلیم سے گھر کی تعلیم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور صحابہ کے ذریعے سے جو گھروں میں تعلیم ہوئی ہے اس تعلیم نے ان کا رنگ بدل دیا حضرت مصعب ابن عمیر کا کیا حال تھا کیا ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق کا کیا حال تھا کیا ہو گیا سب کچھ ان کا اتنی بڑی حیثیت کی ختم کر رہا ہے زندگیوں میں سادگی اور جفا کشی آ گئی دین کی عظمت آ گئی اللہ رسول کی عظمت آ گئی صحابہ کی عظمت آ گئی ہاں اس کے لیے سب سے پہلے تو ان کے ناموں کی عظمت آئی تو ہمارا پرانا ساتھی نام معلوم کرتا کہ کوئی نیا نام دو کوئی نیا نام دو ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پرانے ساتھی تعلیم میں نام سن کر آگے سے لکھے رکھتے تھے ڈائری میں کہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا صحابی کا نام میرے گھر پوتا آئے گا تو یہ نام رکھوں گا پوتی پیدا ہوگی تو اس کا یہ صحابیہ کا نام رکھوں گا اور اب ایک ذمہ دار آدمی ہے دعوت میں چلنے وہ ان کو کوئی کہے بھائی ابراہیم نام رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹے کا نام رکھا کہ کوئی نو نام اپنا تو عمر دادا مجھ سے یہ عظمت کم ہوئی وہی سے ابتدا ہوتی ہے آدمی کو جن لوگوں سے تعلق ہے آدمی اپنا باوجود باپ دادا کا نام ہونے کے اس نام سے اگر کوئی پکارے تو زیادہ پسند کرتا ہے تعلیم سے چاہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محبت ہمارے اور ہماری نسل کے دلوں میں پیدا ہو اس کی ابتدا یہاں سے ہوگی ان کے نام رکھے جائیں گے صحابہ کے صحابیات کے یہ اثر شروع ہوگا اور ہوا ہی لیکن پھر تیزی سے لوگ پورے پورے آئے گی یہ ہوا یہ جو صحابہ کے نام اور صحابیات کے ازواج مطہرات کے بنات طیبات کے نام اس وقت جو سننے میں آ رہے ہیں پچھلی نسل کے وہ اسی کا اثر تھا لیکن اب پھر غیر محسوس طریقے پر کسی اور اوپر جا رہے ہیں اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ان کی عظمت دلوں میں بٹھائی جائے ان کو آئیڈیل کے طور نمونے کے طور پر بتایا جائے بچیوں کو حضرت فاطمہ کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے گھر میں یہ ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نمونے کے طور پر اب بڑی عمر کی جو عورتیں ہیں نا دادیاں ہیں نانیاں ہیں امائیں بن چکی ہیں ان کو یہ آئیڈیل ہے کہ خدیجہ نے کیسے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا سکھ میں کیسا ساتھ دکھ میں کیسا ساتھ دیا پیش کیا جا رہا ہے حضور علیہ السلام کے گھر میں آنے والی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کوئی چھوٹے باپ کی بیٹیاں نہیں تھی لوگوں باتوں کو کہ ہم تو ہمارے اصل میں ہمارا فیملی لیول یہ ہے ہمارا خاندانی معیار اونچا ہے ایک دھوکا ہے سب سے بڑا بہت بڑا دھوکا ہم کو لگتا ہے ہمارا کیا فیملی لیول ہو سارا لیول ختم ہو جاتا ہے یہاں تقوی لیول ہے لیول تقوی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے وہاں موقع پر نہیں ہے اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی بڑی معروف اور بڑی معزز خاتون تھی اور بہت مالدار عورت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ کے چودھری اور مکہ کے بڑے مالدار صدیق اکبر کی بیٹی ہے حضرت حفصہ ہے تو عمر کی بیٹی ہے حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور حضرت صفیہ جو ہے یہودی سردار کی بیٹی تھی حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو لا کر ان کو اس معیار پر لایا جو معیار اللہ پسند کرتا ہے اور جو اپنی شریعت کا جو گڑ ہے ان کو اس روپ پر لائے
हम सोचे हमने ये कोशिश की कि हम औरों पर तो नंबर दो पर मेहनत कर लेंगे, अपने घर को हम उस नैया पर ला दें, अपने बच्चों का हम वो जहन बना लें जो जहन हुजूर ने अपने नवासों का बनाया था। अगर हसन और हुसैन आप चाहते तो सोने चांदी के ढेर जमा करके उनके पीछे उनके लिए छोड़ देते और उनको बड़े मालदार के तौर पर पेश करते उम्मत के सामने कि जितना माल मेरे नवासों के पास है किसी के पास नहीं हो और जितना माल आप अपने अजवाज के लिए छोड़कर जाते और कोई नहीं छोड़ के जाते। आपने तो कहा नहनु मुआशरुल अंबिया लम नुअर नतुदी हमन हला दीनारा कि हम नबियों की जमात अपने पीछे माल में मीराज दिरहम और माल छोड़कर नहीं जाते, हम अपने पीछे इल्म छोड़ के जाते और इल्म देकर कहे थे आयशा रजी अल्लाह अन्हा से उम्मत को कितना इल्म मिला है। और जो साहब आपके साथ बच्चों की तरह लगे रहे हैं कि अनस रजी अल्लाह अन्हु हैद इब्ने अब्बास थे अब्दुल्लाह इब्ने उमर थे उनको इल्म देकर गए आप इस वक्त, इसलिए जरूरत इसके खाली हाफिज बना दिया है मौलवी बना दिया काफी नहीं है, बच्ची को आलिमा बना दिया काफी नहीं है, हमारी तरबियत है, हमारी तरबियत है कि इनके सुलूक में ईमान आवे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत आ गई, सहाबा की मोहब्बत आ गई और अज़वाज मुतहरात और बनात तैयबात की मोहब्बत इनके दिलों में घर कर गया, ये अपनी सारी दुनिया लुटा दे इनकी मोहब्बत ये मकसूद है कि दुनिया में उनके तरीके पर जिंदगी गुजरे और कयामत में उनके साथ हशर हो इसकी दुआ मांगी गई है। तामिलना भी सुन्नति ही व तवफना आला मिलती ही बख्शुरना फिर जुमरती तो उनकी सुन्नत पर जिंदगी गुजरे उनकी मिल्लत पर मौत आवे और कयामत में उनके साथ हमारा हशर हो जाए, यही हम अपने अहल वयाल के लिए पसंद करें। इसलिए इब्तिदा तो इसकी जरूरत है कि हम अपने घर से घर की तालीम की इब्तिदा करें और तालीम का मकसद ये है, तालीम का मकसद ये है गाय गाय शहसीबाद का मुजाकरा है, फिर इस तालीम को हम सैंपल बनाकर मोहल्ले में पेश करें, घर घर में यह तालीम शुरू हो जाए, हमारी तालीम का जो हल्का है फिर वो शुरू हो, जहां जहां गुंजाइश बनती जावे वहां हफ्तावारी तालीम के हल्के बढ़ा रहे, 10 साल हो गए 20 साल हो गए उस पर कोई गौर ही नहीं हुआ, एक हल्का चल रहा है और उन तक बात पहुंचाने की कोई सबील नहीं। अच्छा हल्के नहीं है तो क्या करें, हमारे पास इस्तेदाद नहीं है हमारे पास बहने नहीं है तो क्या यह कह लेना हमारा काफी हो जाएगा, जहां इब्तिदाद की हवाएं चल रही है, इब्तिदाद की हवाएं चल रही है मामूली से माल के खातिर और मामूली से डिग्री के खातिर और मामूली फर्जी मोहब्बत के खातिर बेटियां अपना अपना दीन और ईमान कुर्बान कर रही हो और इब्तिदाद के दहाने पर खड़ी हो, वहां हमारा यह उजर काबिल कबूल हो जाएगा कि हमारे पास औरतें नहीं है तालीम करने वाली, जवाबदेही अल्लाह के वहां उसको सोचने की जरूरत है, हम गौर करें तदबीर करें अल्लाह से दुआ मांगें और अल्लाह कोई रास्ता खोलेगा, तालीम के हल्के बढ़ावे और तालीम में औरतें पढ़े उसके लिए मस्जिदा जमात मेहनत करें, अरे सुबह बच्चा हमने भेज दिया काफी नहीं है, मस्जिद की जमात उस दिन बेचैन बेकरार खुल रही हो मोहल्ले में गली में गश्त कर रही हो कि कैसे इन हल्कों में जो है औरतें ज्यादा से ज्यादा शरीफ होकर वहां से ईमान और आमान की हिफाजत का इंतजाम करें और वहां से अपने दीनी तलब पैदा करके अपने घरों में जाकर अपने घरों में मेहनत करने वाली बने। इन तालीम करने वाली बहनों को भी गाहे गाहे 2-4 महीने में जमा करके उनको भी भरना चाहिए कि उनको क्या करना है, उनके जिम्मे क्या काम है, उनका काम समझाना चाहिए, 2-4 महीने में उनको जमा किया जा रहा है और उनको काम समझा रहे हैं कि उनको क्या करना है, तालीम का क्या मकसद है, तालीम से क्या चाहा जा रहा है, यही चाहा जा रहा है तालीम से ईमान आमाल अखलाक में तरक्की हो, हुजूर वाले मुबारक तरीके पर जिंदगी आवे, बच्चों की बेहतर तरबियत हो, बच्चों में हया आए, माहौल के रौ में बह जाना ये कमाल नहीं है, दाई कभी माहौल के रौ में नहीं बहता, चाहे माहौल कितना मुखालिफ सिंह में जा रहा है कितना तेज धोखा होगा हवा का लेकिन वो उस रौ में नहीं बहे, जैसे एक मजबूत दरख्त जिसकी जड़ें जो है जमीन में बराबर गड़ी हुई है वो कितनी तेज हवा होगी वो दरख्त अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ऐसे बाजे मरतबा बाजे चीजें माहौल में आम हो जाके तो अहबत हल्की हो जाती है, हालांकि कबीरा गुना जैसे बेपर्दगी हमारी जो बेपर्दगी कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है, दोनों तरफ पड़ता है मर्दों का भी औरतों का भी पड़ता है,
लेकिन चूंकि माहौल में नहीं है, माहौल में नहीं है, तो इसलिए इसमें बड़ी बेहतियाती है और उसकी न कोई उसका कोई मुजाकरा है, न कोई जहनसाजी है। ये तालीम से कहा जा रहा है कि औरतों के जज्बात बने कि वो अपना सब कुछ कुर्बान करके अपनी हया कुर्बान न करें। बच्चियों का यह जज्बा बन रहा हो कि उनकी हया दाव पर न लगे, बच्चों का ये जज्बा बन रहा हो तो पाप दामन रहे, कि पाप दामन ये नहीं कि जवानी या बिचारे के बच्चे हैं आजकल तो ऐसा ही माहौल है, क्या करें, जवान लड़के हैं क्या करेंगे, जवान बच्चियां थोड़े बहुत शौक पूरे कर, ये शौक नहीं तो हराम काम है, हलाल के शौक पूरे किए जाते हैं जो जायज हो, इसलिए गुजारिश है इसके इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत है, माहौल की रहो में न बने, हमेशा माहौल माहौल का जो जो हालात है वो और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान में बड़ा टकराव रहा, इसलिए इन हल्कों को मजबूत करने की कोशिश करें, इन औरतों को दो तीन महीने में एक मरतबा जमा करके उसको मकसद बताया जाए कि हमारे तालीम के हल्के क्यों हैं, क्या चाहे जा रहे थे, इससे ईमान अमाल अखलाक माशरत ये इन चीजों को जिंदा करना मजबूत है, उन औरतों को फिक्रमंद किया है, वो फिक्र से काम करें, अपने आप को नमूना बनावे, अपने आप को नमूना, अपने घरों को नमूना बनावे, सादगी में हया में इबादत में बच्चों की तरबियत में अपने घरों को नमूना बनाओ, और फिर तरीकाकार उनके सामने कोई तरीका है काम करने का जिसमें तालीम दी जा रही, इस बात का मुजाकरा किया जा रहा, आने वाली औरतों की जहनसाजी की जा रही, ये तरीका है हमारा, लेकिन उससे पहले उनके जज्बात बनाना और उनको काम के बारे में फिक्रमंद करना है, और फिर उनके अंदर पुख्तगी पैदा हो उसके लिए उनका वक्त लगवाना है, उनका वक्त लगता रहे, तीन महीने में तीन दिन उनके लगे, साल में अशरा लगे, बाजे औरतें हैं जिनकी कुछ इस तरह की मसरूफियात है घर तीन महीने पर नहीं जा पा रही, तो कम से कम वो साल में दो मरतबा लगा दें, अशरा हर साल नहीं लग पा रहा है लेकिन वो लगता रहे उनका, तो उनके अंदर पुख्तगी पैदा हो, मिजाज उनका दावत का बने, औरतों का इबादत का मिजाज तो थोड़ा सा वक्त लगाने में बन जाता है, दिल लगा दिया इबादत का मिजाज, नमाज की पाबंदी, जिक्र की, तिलावत की पाबंदी, बहुत सी औरतों के बारे में सुनेंगे कि वो 26 सूरतें लेकर बैठते हैं, सुबह शाम दो मतलब पढ़ रहे हैं, उस बहन का ही मिजाज बना रहे कि 26 नहीं 24 पढ़ें, वो दो सूरतें जो पढ़ने का वक्त है बच्चों की तरबियत पर लगा रहे, उनका दावत का मिजाज बने, वो सलात तो भी पढ़ रही है वो पूरे शरीर पर देंगे, लेकिन बच्ची जो है बगैर बुरके के कॉलेज जा रही है और उसको गुनाह भी नहीं समझा जा रहा, वो बगैर पर्दे के घर से बाहर फिर रही है, माँ इबादत गुजार है उसमें कोई शक नहीं, उनका मिजाज दावत बने घर की औरतों का, उसके लिए गाहे गाहे उनका वक्त लगवाओ, तीन दिन लगवाओ, तीन तीन दिन लगे दो तीन वर्ष आशरा लगवाओ, उसमें भी हम लोग पहल करें, फिर आप अपने हल्कों के जिम्मेदारों से वो पहल करें, फिर मस्जिद वालों से वो पहल करें, तो फिर इंशाल्लाह सब जगह एक माहौल बनेगा। दूसरा कि हम अपने अपने खुद तदबीर सोचे आगे ले जाने के अपने काम, फिर एक यहां से खूब तरगीब दे गए मसूरात की जमातें बना तो वहां जाकर वो दो महीने उसी में लग गए, खूब जमातें निकालती मसूरात, फिर अगले दो महीने में ठंडा हो गया, बल्कि हर मस्जिद का लेवल अलग अलग है, जो जहां है वहां से ऊपर ले जा रहे हैं, दो तालीम के हल्के हैं और मस्जिद में 400-200 मकान हैं, तो ये मस्जिद वालों के फिक्र में ये हो कि हमारे पांच हल्के किसी तरह हो जाए, 40-40 करो, जो हुए हैं अब उनके हमें और तीन बढ़ा दें, उसकी तस्वीर में लगे हुए हैं, दो महीने के बाद तीसरा बढ़ा, दूसरे छह महीने के बाद चौथा बढ़ा, लेकिन वो तस्वीर में लगे हुए हैं, फिर अब उस मस्जिद में जो वक्त लगी हुई बहने वो 15 बहने हैं, तो मैं इन बहनों से हमारा मस्जिद और बहने तैयार हो इसकी तस्वीर करें, कोई नई लड़की मोहल्ले में बहू बनकर आई शादी करके पढ़ी लिखी है, थोड़ा उसका वक्त लगेगा जहन बनेगा तो अच्छी दावत के अमाल में तालीम में फिक्रों में शरीक हो जाए, तो उसके शोहर से मुलाकात करके उसको तैयार किया, कोई बेटी हमारे यहां तक अच्छे काम में जोड़ने वाली पाबंद लड़की थी अच्छी फिक्रमंद थी वो शादी करके किसी गांव में गई है, तो वहां के जिम्मेदारों को मुतवज्जे करके फला के वहां तुम्हारे हमारे गांव की लड़की शादी करके आई, बहुत फिक्रमंद यहां तालीम का हल्का चला दी, क्योंकि बाद में मतलब शादी करके नए घर में जाती है पुख्तगी नहीं होती वो बिचारी फिसल जाती, तो
وہاں ان کو فکرمند کیا کہ آپ کے یہاں تعلیم کا حلقہ بڑھ سکتا ہے. بہت فکرمند ہیں جسے ملک میں جا رہی ہے. اب یہ ملکوں میں جا کر بہت سارے ہمارے چار چار مہینے لگائے ہوئے جوان مانولی کے, بھروچ کے, سورت کے, یہ علی پور کے سب جگہ کے قربانی سے انہوں نے چار چار مہینے لگائے اور وہاں جا کر بیچارے جاب میں کام کاج میں ایسے مصروف ہوئے, دو دو تین تین سال ہو گئے چلا نہیں لگا. ایک ہمارے ذمہ دار ساتھی ایک ضلع کے, ان کے دو بیٹوں سے ملاقات, تین سال سے گئے وہ, چار مہینے لگا کر گئے یہاں, تینوں سال سے ان کا چلا نہیں لگ پایا. حالانکہ ایسے چار مہینے لگا کر گئے, فکر اندر کی تو ان کی وہ مناسب تبدیلیں بنے اور تعلیم کے حلقے بڑھاوے. جماعتیں آ رہی ہیں, مہمان جماعتیں, تو مناسب طور پر ان کے استعمال کی شکل سوچے. انہیں گزشتہ یہاں گئے تھے, اس مرتبہ یہاں جا رہے, پھر یہاں گئے تھے تو یہاں جا رہے. جذبات کا کام نہیں ہے, یہاں باری نہیں ہے ہمارے اس کام. یہاں جذبات پر آ گیا پورا کام یا باری لگتے ہیں, کیونکہ کام رستے لگ جاتا ہے. جذبوں پر ہیں, جذبہ جس دن زیادہ ہوگا اس دن ہوگا, جذبہ ٹھنڈا ہے تو نہیں ہوگا. تدبیر ہے سوچنا کہ یہ جماعت ہے مستورات کی مضبوط جماعت ہے, نئے علاقے میں بھیجیں گے ان کے راستے سے وہاں ماحول بنے گا, فضا بنے گی. یہ نئی جماعت ہے, ان کو ماحول دینے کی ضرورت ہے, تو اس کو ہم ایسے حلقے میں بھیجیں جہاں مضبوط کام کی شکل ہے. پرانی بہنیں ہیں, کام سمجھی ہوئی سمجھانے والی بہنیں ہیں, تو ان کو اس طرح وہاں رکھا جا سکتا. یہ جماعت ہے, اس میں چار پرانی بہنیں عشرے والی جا رہی ہیں عشرے میں, اور پرچہ بھی ہمارے پاس جماعت تیار. اب ان کو بھائی ابھی ان کو کہیں گے تو جماعت ٹوٹ جائے, نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ. ہم تدبیر تو کریں, ان کو لے کر بیٹھے کہ بھائی چار بہنیں ایک ساتھ جا رہے عشرے, اس کے بجائے دو کو کر دو, تین نئی بہنیں اس میں لگاؤ, دوسری دو چھ ہفتے کے بعد جماعت جاؤ, تاکہ ان کے ساتھ نئی نئی بہنوں کا وقت لگ کر وہ تیار ہوں, وہ تیار ہوگی تدبیریں کرنے کی. لیکن اس میں یہ ہے کہ اوپر کی سطح کے ذمہ داروں کا ایک فکر ہونا اور ان ساتھیوں کے ذہن دل و دماغ میں کام ہونا ضروری ہے, کہ ان کے دل و دماغ میں کام ہو. کام سب سے اوپر, ہم سب سے اوپر کام ہے, ہم سب سے اوپر. ہاں, اور طبیعتوں کی رعایت جو ہے, کھانے میں, کھانا کھلانے میں, آرام کروانے میں رعایت ہے, کام میں تھوڑی رعایت ہے. کوئی ساتھی نازک ہے, ان کو چائے کے بجائے دودھ چلتا ہے تو دودھ پلا دیں گے, ان کی رعایت کریں گے. بیمار آدمی ہے, رات کی نیند سے ان کا آرام پورا نہیں ہوتا, دن میں گھنٹہ سلا دیں گے ان کو, یہ رعایت. کام میں رعایت نہیں ہے, آدمی کی طبیعت کی رعایت, کھانے پینے میں, آرام میں, اس میں رعایت. اب ایک چار بہنیں جا رہی ایک ساتھ اور دوسری جماعت آئے گی ہفتے کے بعد, ایک بھی اچھے والی بہن نہیں ہوتی, یہ تو کام قربان ہو گیا. تدبیریں کریں, اس لیے جماعت سوچے ان چیزوں کو, جماعت سوچے, اور جماعت بھی سوچنے والی جماعت, سوچنے والی جماعت, سوچنے والوں کا اعتبار ہے. ان کے سامنے کام ہے, کام کے تقاضے ہیں, کیسے ساتھی بیٹھے اور تدبیریں کریں, سوچیں. چاہے گھنٹہ دو گھنٹہ لیٹ کام ہوگا, ایک دن دو دن لیٹ ہوگا, لیکن صحیح ہوگا اور ترتیب سے ہوگا, اس سے اس کا صحیح نفع وجود میں آئے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ مستورات کے کام کو ہم ویسے معمولی نہ سمجھیں, بہت بڑا کام ہے. بارہا سنتے ہیں ایک عورت کا بننا خاندان کا بننا ہے. کئی ایسی عورتیں اس زمانے میں بھی ملے گی جس ایک عورت کے لگنے سے, ایک عورت کے بننے سے اس کے پورے گھرانے میں دین آیا. ایک نیک ماں کے ذریعے سے ایسی اولاد وجود میں آئے کہ اس کی گود میں شیخ الحدیث پیدا ہوئے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو ہم وقت دیں, اس کو اپنے مشوروں میں لیں. مسجد کے مشورے میں جس دن تعلیم کے حلقے ہیں, اس دن اس عمل کو اچھی طرح سے لیں. فٹافٹ پورا نہ کبھی کوئی جلدی سے کر دو, گزشتہ ان کا تھا اس مرتبہ ان کا طے کر, جلدی پورا جلدی نہ کریں, غور کریں, سوچیں بھائی ہمارے دو حلقے تیسرا کیسے بنا. تعلیم میں 25 بہنیں 30 بہنیں آ رہی ہیں, مسجد بہنیں جوڑے, اس کی کیا شکل بنا, اور بہنیں کیسے جڑے. جماعت اپنی مرضی سے سال بھر ہو گیا, تین دن کی نہیں بنی ہے, کیا شکل بنا. جس کی جماعت کے علم ہوگا کتنی تین دن والی جب بہنیں ہیں, اتنی عشرے والی, اتنی چلنے والی ہیں, جماعت بنانے کی کیا شکل ہے, کون سے ساتھی کو تیار کر لیا جائے تاکہ آسانی ہو جائے. اس پر غور کریں. مستورات کے اس امر کو مسجد کے مشورے میں سب سے پہلے ہم ٹائم دیں,
अगर सही मानों में उसको अंदाजा करेंगे तो मस्जिद के मशवरे में हफ्ते में एक दिन वो उम्र आता है जिस दिन तालीम होती है, और वो कितनी देर आता है वो हम सबको पता है। जब वो मशवरे में ही नहीं हमारे वो उम्र सोचने में ही नहीं है तो फिर अमल में कैसे होगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, सब नियत करें इंशाल्लाह कि इसको अपनी मस्जिद की सतह से चलाएंगे, क्योंकि मंसूरात का काम मस्जिदवार जमात की निगरानी में करवाना है। करेंगे इंशाल्लाह। इसमें से कौन कौन नियत करता है कि इंशाल्लाह हम तरतीब से अपने घर में तालीम करेंगे, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और जैसे तरतीब वक्त फुरूज की है उसकी भी कोशिश कर लें कि हम फुरूज की अपनी तरतीब बनावें, जिनके सैर रोजे लगे आशरा लगा, जिनके आशरे लगे सिले का निजाम अपना बनावें। 6 महीने पहले से सोच रहे मसाइल होते हैं, आगे से सोच रहे हैं कि हम ये तरतीब अपने साथियों के सामने भी रखते हैं, मशवरे वालों के सामने, ताकि कोई तकाजा और उनके जहन में हो तो उसको पता चल जाए कि मंसूरात की तरतीबें मशवरे वालों के सामने रखते हैं। तो इस तरह से इंशाअल्लाह ने कहा कि जिले की सतह की जिम्मेदारी समरों को फिक्र में लेंगे तो मुस्तकिल होगा, नीचे हल्कों में, हल्कों से मस्जिदों में और काम पड़ेगा। अच्छा, जहाँ पर तालीम के बाकायदा हल्के नहीं हैं वहाँ बहुत सारे ऐसी झुपड़पट्टियाँ हैं, बाजे मोहल्ले हैं, शहरों में अपार्टमेंट के अपार्टमेंट पड़े हैं, जहाँ तालीम का हल्का है, मंसूरात तक बात पहुँचाने की कोई सबील ही नहीं। कुछ अजला में हमारे यहाँ माशाला वो 15 दिन में एक मरतबा सिर्फ बयान की तकलीफ कर लेते हैं ऐसे मोहल्लों में। जिन हल्कों में ऐसे मोहल्ले हैं वहाँ तालीम क्या तालीम क्या होती तो हो ही रही है, लेकिन जहाँ तालीम की कोई शक्ल अभी तक बनी नहीं है तो वहाँ 15 दिन में एक मरतबा हल्के के मशवरे से मुतकल्लिफ तय करें, उनके साथ साथ में जाने वाले मुनासिब साथी तय करें, और उस मोहल्ले में कोई मकान तय करवा के वहाँ की औरतों को वहीं जोड़ के उनसे आधा पौना घंटा बयान, और उसमें घर का माहौल घर में नमाज जिक्र तिलावत इबादत आमाल बनाने की उनको तरबीत दें, फिर उसी बयान के रास्ते से वहाँ तश्कील करें। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा हुआ तश्कील हुई, सहरोजा मसूरात की जमात तैयार करें वहाँ। या अगर अभी वो इस्तेदाद नहीं उनमें तो उनमें इतनी इस्तेदाद बनाए कि मसूरात की जमात का इस्तेमाल करे वो मोहल्ले में कोई घर वालों ने इस्तेमाल कर दिया तो 3 दिन की मजबूत जमात वहां भेजे, वो 3 दिन रहेगी मकामी औरतों से उनका इख्तिलात होगा, जहन शादी होगी, तो फिर वो उनको आमादा करेंगे जमात में जाने के लिए। और अमूमन ये होता है कोई मजबूत जमात पहुंच जाती है तो मसूरात की जमात बन जाती है, ये औरतें 3 दिन लगाएगी फिक्रमंद होकर वापस जाएगी, 2-4 महीने 6 महीने होते होते वहाँ तालीम के हल्के की गुंजाइश बन जाएगी, तादाद पैदा हो जाएगी। इसलिए जहाँ इस्तेदाद नहीं है उसको छोड़े न रखें, इस्तेदाद बनाने की कोशिश करें, और उसका आसान रास्ता यह है कि हल्के के मशवरे से सब जगह हल्कों में माशाल्लाह ऐसी मुनासिब मंसूरात से मुज़ाकरा कर ले ऐसे साथी हैं, उलमा की कसीर तादाद है सब जगह देहातों में भी शहरों में भी, तो उनके जरिए से बात करवा लें। बस ये है कि उनके साथ मुजाकरा क्या करना है उसका मुजाकरा होता है। हमारे इस काम में जो है मुजाकरे की जो रूह है वही ईमान आमान अखलाक अखलाक आखिरत घर का माहौल बच्चों की तरबियत ये उम्र है हमारे। दूसरे मौजू हालात हाजरा सियासी मौजू हैं या दूसरे और मौजू हैं, ये जहनसाजी के जो मौजू हैं जो असल चीज़ है जो बुनियाद है, ईमान की बात हो, ईमान का नफा बताया जा रहा है, अमाल की बात हो, नमाज फिक्र तिलावत इबादत, रमजान आ रहा है तो रोजों की तरतीब है, और घर के माहौल में नींद लाने की अच्छे अखलाक की बात है, उसमें मुआशरत बच्चों के साथ बच्चों की तरबियत, और आखिरत सबसे ज्यादा जिसको खोलने की जरूरत है, क्योंकि अभी इस वक्त आखिरत हम लोग बुलाए हुए हैं, आखिरत औरतों में भी उसका मुजाकरा होता, मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो इस लाइन से मुजाकरात के जरिए से उनको आमादा किया जाए, फिर धीरे धीरे इस्तेदाद बन जाए। इसलिए ऐसे मोहल्लों को छोड़ा नहीं, बल्कि ऐसे मोहल्लों में 40-50-60-70 घरों का एक एक हल्का बनाकर उनमें कोई मकान तय करवा के वहाँ 15 दिन में एक मरतबा जो है इन इन अमाल की बात, और कोई अकेला आपके बयान करने न जा, और जो कवाई कराए थे कोई शादीशुदा आदमी को भेजे, अकेला ना जाए, कोई 3 आदमियों की जमात बना, जिस घर में बात हो रही उस घर के मर्द को भी साथ में रखें, इन सारे और पूरे पर्दे के इमाम के साथ सूरत में जो पर्दा वो है वही पर्दा है, पूरे पर्दे के इमाम के साथ नजाकत में नजाकत पर्दे के साथ, और बात जो है हमारी सीधे साधे अंदाज में जो है हमारी बात जो बात आम फहम हो उसके समझ के मुताबिक, ताकि वो बात समझ जाए,
تکلفات نہ ہو, شعر شاعری اور ہونے دھونے والی زیادہ باتیں ان کے سامنے نہ کریں, سیدھی سادھی بات ہے ہماری. تو اس طرح سے کوشش کریں, بس یہ ہے مشورے کی پابندی کے ساتھ ہوں اور جماعت کی شکل میں جائیں, کوئی ایک آدمی نہ ہو. اور عموماً چونکہ مزدورات کے بیانات زہر بعد مندر ہوتے ہیں تو تھوڑی قربانی کا وقت ہوتا ہے مردوں کے لیے, متکلم ہوتے ہیں جاتے ہیں ساتھ میں, وہ قربانی نہیں, ہمارے کام کی جان ہے, اگر قربانی نکل گئی تو جان نکل گئی کام. ہاں اس کو بھی ذمہ داری سمجھیں, اس کو بھی ذمہ داری سمجھیں کہ وہاں بھی جانا ہے تو پھر اس کو نبھاوے, کوئی چیز مشورے سے ذمہ آ رہے تو اس کو نبھاؤ. یہ نہیں ہے بھائی فلاں کر لے گا یہ کر لے گا, میں کام سے نکل گیا تھا فون کر میں ذرا تو چلے جانا, یہ مناسب چیز نہیں ہے, یہ مناسب بات ہے. ذمہ داری مشورے سے آئے اس کو نبھاؤ, اور جن کا طے کر رہے ہیں ان کو پابند کریں بھائی آپ کو جانا ہے, فکر کے ساتھ اس کو کرنا ہے تاکہ صحیح روپ سے کام ہو کر مردوں عورتوں سب کی فکر سب کا ذہن یہ بنے کہ سب کی نظر میں دین سب سے اوپر ہو اور دین کی محنت سب سے اوپر ہو. اگر ان کا ذہن ہموار ہوا تو انشاءاللہ محنت آسان ہو جائے گی اور معاشرت میں اور گھروں میں دین نظر آئے گا اور ان کے راستے سے اولاد کی بہترین تربیت کا نظام بن کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ہمارے اور طبقات ہیں سماج سے معذورین میں کام کرتے ہیں, ریلوے والوں میں کام کرتے ہیں, تو اس میں بھی جو ہے ہمارا جو اس کو رسمی نہ ہو, رسمیت بہت بری چیز ہے, کسی بھی کام میں رسمیت آ گئی تو اس کی جان نکل گئی, اس لیے فکر کے ساتھ اس کو لیں. ابھی ریلوے والوں کا اجتماع ہوا ملکی سطح سے, ماشاءاللہ اپنے یہاں سے بھی اضلاع سے اچھے ساتھی پہنچے تھے اور وہاں ملکی سطح سے چند صوبوں کے وہاں ریلوے والے پہنچے تھے, جہاں جہاں جن صوبوں میں کام کی شکل بنی ہے وہاں سے آئے, جن صوبوں میں کام کی شکل نہیں وہاں سے ابھی نہیں پہنچے, وہاں کام ہی نہیں ابھی. پھر اس پر غور و فکر ہوا, وہ لوگ آپس میں بیٹھے کون سے صوبے کہاں کام نہیں ہے کہاں کام ہے, اور ان کی اگلے چھ مہینوں میں جو جماعتیں تھیں پچھلے چار مہینے کے جو عزائم آئے تھے اس کی ترتیب دے کر انہوں نے مناسب نظام بنایا ہے, یہ جماعتیں جو ہے ان صوبوں کی جماعتیں ان صوبوں میں, ان صوبوں کی جماعتیں ان صوبوں میں جائے گی, اس کا ایک پورا نظام بنایا ہے. اپنے یہاں اللہ کا فضل ہے, ہر ضلع میں رمق ہیں اور کام کرنے والے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو بھی اپنے مشورے کا عمرہ بنا کر ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے فکرمند کرتے رہے, بھولا نہ دیں, خالی کارگزاری کے لیے نہیں ہے کہ بھائی جب دو مہینے میں آئیں گے تو اگلے ہفتے اس کی کارگزاری جمع کر لیں گے, دو مہینے کام ہوگا تو کارگزاری سامنے سے آئے گی ہمارے پاس, لینے نہیں جانا پڑے گا, لیکن اگر دو مہینے کام نہیں ہوا تو کارگزاری لینے جانا پڑے گا, اور پھر ہوگی نہیں, وہ کام ہوگا تو کارگزاری خود بولے گی, کام بولے گا. تو اس لیے اس کو بھی جو ہے فکر میں لیں, اپنے تنفیذ میں جن لوگوں سے متعلق کام ہے ان کو فکر مند کریں اور ان کو محنت میں لگاویں کہ وہ مہینے کا کوئی ہفتہ طے کر کے اس کی جماعتیں بنا لیں, ان کو فکر مند کریں. چھٹی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ارادے کی کمزوری ہے, چھٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی بھی چار مہینے کی دو جماعتیں ان کی چل رہی ہیں, اس میں ریلوے والے آن ڈیوٹی والے بھی تھے, وہ چار مہینے میں چل رہے ہیں, دیاؤدین ہمارے چار مہینے میں چل رہے ہیں بنساڑ والے ون ڈیوٹی, تو مسئلہ چھٹی کا نہیں ہے, مسئلہ نیت کا ہے, کبھی طبیعت پر لیا نہیں ہے, اس لیے ان کو فکر مند کریں. جو غیر مانوس ہیں ان سے بھی ملتے جلتے رہیں, ان کے ماحول میں اگر وہ مسجد سے دور ہیں تو ان کے ماحول میں ہی ان کی نماز قائم کروا رہے ہیں, ریلوے کالونی میں کسی جگہ پر ہیں یا اور کوئی جگہ دو فیملی چار فیملی ہیں, تو ان کے ماحول میں وہی ان کی نماز قائم کرا رہے ہیں, ان کی نماز وہاں شروع ہو جاتی اور ان کو تعلیم شروع ہو, وہاں دس کی کوئی شکل بنے اور اپنے ہفتہ وار اسکولوں میں ان کو بلا رہے, اپنے عمومی اعمال سے ان کو جوڑنا ہے. جتنے بھی طبقات سے ہماری محنت ہے وہ طبقات بنانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو اپنے عمومی اعمال سے جوڑنے کی کوشش کریں, اور فیروزہ ان کی ہر مہینے پابندی سے جماعت بنے اور ان کا سالانہ خروج قابو میں آوے, اس کے لیے ان میں سے جو ذمہ دار قسم کے ساتھی ہیں ان کا مہینہ آگے سے طے کروا لے اور ان کو یہ محنت میں ڈالے کہ وہ اپنی جماعت بنا, تاکہ وقت پر ان کی جماعتیں آسانی سے روانہ ہو. اسی طرح سماج سے معذورین ہیں, سماج سے معذورین جو ہیں ان کو بھی اسی رخ سے جو ٹوٹل تعداد ہماری ایک مدت سے ان میں محنت ہو رہی ہے, اکثر وقت پہنچنا ہو گیا, ایک مرتبہ دو مرتبہ ممکن ہے کہ بہت مشکل سے کوئی چند چھوٹے ہوئے ہوں گے جہاں تک جبرنا مانوس غیر مانوس تک پہنچنا ہوگا, اگر کام شروع ہوا ہے تو اس کو نبھانا ہے,
اس لائن کے جو ان کے ذمہ دار ہیں ترجمان ہیں ان کو سراہے کہ حوصلہ افزائی کریں. کوئی کمی ہے تو کام کرتا ہے اسی سے تو بھول ہوتی ہے, گاڑی چلائے گا اسی سے ایکسیڈنٹ. کوئی آدمی گھر بیٹھا ہے 60 سال تک ہے, آج تک میرا ایک بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, کوئی کمال کی بات ہے. کام کے میدان میں ہے, میدان عمل میں ہے, شروع ہوتی ہے, بھول ہوتی ہے, بے اصولی ہوتی ہے. تو اس کو محبت سے لیں, سمجھا لیں, اس کو دور کرنے کی تدبیر کریں اور کام میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس کی بھی پابندی سے ان کی جماعت روانہ ہو, پانچ 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 چھ چھ کسی جگہ 10-12 فکر مند ہو گئے, کہیں 50 ہیں, کہیں 100 ہیں, سب سے زیادہ احمد آباد میں. ان کی تعداد کے حساب سے کہیں 5 آدمی بحال ہو گئے ضلع میں, کہیں 10 ہو گئے, کہیں 15 ہو گئے, کچھ نہیں تھا اس کے مقابلے میں بہت کچھ. لیکن اس پر اطمینان نہ کر لے, بلکہ کوشش ہو کہ ہماری ان 100% کو ہمیں کھڑا کروانا ہے, اس کو اعمال میں بھی لگانا ہے اور دعوت میں بھی لگانا ہے. پچھلے 2-3 مہینوں سے ان میں سے تازہ بیرون کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے معذور خان, اس لیے اضلاع میں جو واقع ہیں ان سے جن کے 4-4 مہینے لگے ہیں تو وہ تھوڑا تفقد بھی کریں, 4 مہینے نہیں لگے ہیں ان کے 4 مہینے لگوانے کی کوشش کریں, ان کے چلے ابھی نہیں لگے تو ان کو آگے, ان کی جماعتیں بھی عموماً ان مہینوں میں بنتی ہیں, چلے کی زیادہ جماعتیں ان کی مئی جون میں نکلتی ہیں. ہر سال گزشتہ کچھ 13-14 جماعتیں نکلی تھیں گزشتہ سال, اور بنگلور تک, پونا تک, اور وادی تک گئی, دہلی جماعت گئی تھی. 10 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن تھوڑی حرکت کی ضلع والوں نے تو ماشاءاللہ اللہ نے وجود دیا, اور ملک کے صوبوں میں ان کی جماعتیں جاتی ہو گئی. اللہ نے چاہا تو ان کی جماعتیں بھی بیرون ملکوں تک جائے گی انشاءاللہ. اس لیے ان کی سہروزہ کی جماعتوں کا بھی اہتمام کروائیں, مقام پر ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں, ان کی ترجمانی ہو اچھی طرح سے, اس کی بھی کوشش کریں, ترجمانوں کو بھی آمادہ کریں, حوصلہ افزائی کریں, ترجمانوں کی پابندی ہو, وقت ان کا لگے پابندی سے. ان کو ایک مہینہ تو ان کے ساتھ جانے دیں, ایک مہینہ ان کے ساتھ 3 دن لگا, ایک مہینہ اپنی مسجد کے ساتھ لگا, ایک سال کا فروغ ان کا ان کے ساتھ ہو, ایک سال ان کے ساتھ. لیکن جہاں ابھی ترجمان زیادہ نہیں ہے وہاں ان کو چلا کر بھائی ترجمان تیار کریں, پھر اس کے بعد ترتیب قائم کریں تاکہ وہ عمومی کام سے بھی جڑے رہیں اور یہ بھی ہوتا رہے. تو کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر. اضلاع میں کوئی ہفتے دے ہیں ان کی جماعتیں نکالنے کی, بلسار میں کیا بلسار میں دونوں کی سنا دو بھائی, ریلوے والوں کی, ان کی دونوں کوئی ہفتہ دے آپ کے یہاں, تیسرا دونوں کا نوساری میں ہے, ریلوے والوں کا بھی.